तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन अपना एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। ठीक है भाई, इससे पहले अपन ने थर्मोडायनेमिक्स प्रथम को ख़त्म कर लिया है। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, ठीक है भाई। अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना, उसका नाम क्या है? ऊष्मागतिकी द्वितीय। ऊष्मागतिकी द्वितीय, ठीक है भाई। हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है, तो कृपया इसको दिल पे ना लें आप। देखो भाई, इससे पहले अपन ने जीरोथ लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ पढ़ा, किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। अब अपन आगे पढ़ते हैं सेकंड लॉ और थर्ड लॉ अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले थर्मोडायनेमिक्स सेकंड को स्टार्ट करने से पहले हमें नीड क्यों है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड की? तो उसके लिए ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट लॉ था उसके कुछ लिमिटेशंस थी, और तब जाके उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए किसकी नीड हुई? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड आपको हुई, ठीक है। तो देखो क्या कहोगे आप, हेडिंग डाल दो, आप हेडिंग डाल दो, लिमिटेशंस ऑफ फ्लोट, ठीक है, समझ जाओगे ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड नीड ऑफ स्लोट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भाई। मैं केवल समझा रहा हूँ आपको, लिखवा नहीं रहा, बस आप नोट करते जाना, वीडियो को पॉज करना और नोट करते रहना, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ फ्लोट एंड नीड ऑफ स्लोट, फर्स्ट लॉ की कुछ सीमाएं थी और हमें सेकंड लॉ की नीड क्यों हुई, तो वो अपने को समझना है। तो देखो भाई, आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि जो हीट फ्लो करती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, ठीक है ना। सॉरी, जनरली स्टेटमेंट है कि नॉर्मल स्टेटमेंट, हमने सबको पता है कि हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के मध्य क्या होता है? हीट का फ्लो होता है। लेकिन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर भी हो सकता है। फर्स्ट लॉ इस स्टेटमेंट के बारे में कोई अपनी राय नहीं देता है, समझ गए। देखो, जनरल स्टेटमेंट क्या है, अब सबको पता है, कॉमन सी बात है कि जो हीट का फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हीट कैन फ्लो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ऐसा हो सकता है? किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात क्या थी उसकी? थोड़ी गलत थी। दूसरी बात, जो फर्स्ट लॉ है वो स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को नहीं बताता। फर्स्ट लॉ स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात ही नहीं करता। फर्स्ट लॉ के अनुसार तो कोई भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, फर्स्ट लॉ को उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जो हीट की फ्लो की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, हीट की फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसके बारे में फर्स्ट लॉ कोई बात नहीं करता है। आपने पढ़ रखा होगा कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा, उसके बारे में फर्स्ट लॉ कोई बात नहीं करता। और देखो, फर्स्ट लॉ एक और बात कहता है, फर्स्ट लॉ एक और बात नहीं कहता, मतलब कहता है वो ये है कि जो वर्क है उसको कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है, इसको भी फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वी कैन फॉर्म 100% एफिशिएंट इंजन, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, अगर वो क्या कह रहा है ना कि जितनी हीट होती है उसको सारी को वर्क में कन्वर्ट कर देता है ऐसा इंजन, और इसको वर्क को किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपन 100% एफिशिएंट इंजन बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम 100% एफिशिएंट इंजन बना सकते हैं जो हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे और वर्क को कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर दे, ऐसा 100% एफिशिएंट इंजन अपन बना सकते हैं। लेकिन हमें पता है ज़िंदगी में आज तक और इन फ्यूचर भी
कभी भी ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। जिस दिन हो गई तो ये मान लो चमत्कार हो जाएगा दुनिया में, ठीक है। तो ये तो लिमिटेशंस हो गई किसकी, फर्स्ट लॉ की। फटाफट रिपीट कर देता हूँ क्या, एक तो आपको हीट की फ्लो की डायरेक्शन नहीं बताता, दूसरा स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग 100% एफिशिएंट इंजन बनाया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी। अब बात करते हैं नीड ऑफ स्लॉट, कि हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड क्यों हुई। तो आपको पता है कि फर्स्ट लॉ की जो लिमिटेशंस थी उनको दूर करने के लिए किसकी नीड हुई, स्लॉट की नीड हुई, ठीक है। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं आगे स्टेटमेंट्स ऑफ स्लॉट, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके कुछ स्टेटमेंट हैं। पहला ये ऐसे कहता है कि जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल, सो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेज। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है। मतलब ब्रह्मांड में जो अव्यवस्था है, एंट्रोपी का मतलब क्या है, अव्यवस्था, रेंडमनेस, वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, ब्रह्मांड की एंट्रोपी या ब्रह्मांड की व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। आप चाहो तो इसी में लिख सकते हो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इन नेचर, जितनी भी प्रकृति में जो घटनाएं होती है, ठीक है। सो एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज। आप तो केवल ये याद रखना, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, ठीक है। ये तो मैंने वैसे एडिशनल बता दिया कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होती है वो सब क्या होती है, वो सब होती है इरिवर्सिबल होती है, और कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, और यूनिडायरेक्शन होती है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो उनसे क्या होगा, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है, यूनिवर्स में जो अव्यवस्था है जिसको आप रैंडमनेस कहते हो, वो लगातार बढ़ रही होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट फर्स्ट है ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो इसका, स्टेटमेंट सेकंड वो ये है, सुनना भाई, वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इनटू वर्क। समझना, ध्यान से भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड
इनटू हीट, ठीक है भाई। ओके समझ लो ध्यान से, वर्क कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट बट हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, समझना भाई। ये ऐसे कहते हैं कि जो आपका कार्य है, कार्य को पूर्ण रूप से ऊर्जा में या ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो ध्यान से समझना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये दोनों हाथ मैंने लिए, ठीक है, और इन दोनों में मैंने कार्य करना स्टार्ट किया, वर्क करना स्टार्ट किया, वर्क किया, क्या होगा, क्या होगा, जैसे जैसे वर्क करोगे यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी क्या? अरे कार्य करने में जब आप वर्क कर रहे हो तो उसमें एनर्जी क्या हो रही है? जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हीट निकल रही है ना। तो जैसे आप वर्क कर रहे हो, ये क्या है? वर्क हो रहा है। जब वर्क कर रहे हो तो वर्क किस में कन्वर्ट होता है? वर्क कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखो क्या मतलब है, जैसे आपने कार्य किया यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये मेरे हाथ हैं बिल्कुल रोक रखे हैं, आपने नीचे आग लगा दी, क्या आग लगाते अपने आप ही ये हाथ चलना स्टार्ट हो जाएंगे क्या? नीचे से आग लगते ही, मतलब आप ऊष्मा ले रहे हो नीचे से, मान लो आप क्या ले रहे हो? ऊष्मा ले रहे हो, तो ऊष्मा लेते ही ये क्या हो जाएगा? अब क्या हाथ अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, वर्क कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट बट हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इनटू वर्क, समझ में आ गया? बट हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक। तो ये इसका क्या था? सेकंड स्टेटमेंट। अब देखो इसके जो तीसरा स्टेटमेंट है उसके ऊपर व्यस्त चलते हैं अपन, स्टेटमेंट 3, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुन रखा है जनरल लाइफ में, आपने देखा होगा कि जो हीट का फ्लो होता है, जो हीट का फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन होता है, ठीक है। ऊष्मा का जो प्रभाव होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। फॉर एग्जांपल गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा जो बाहर का वातावरण होता है, बाहर का ताप होता है, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, और कमरे का ताप क्या होता है? कम होता है। तो बाहर से गर्मी अंदर आ जाती है, ठीक है, जिससे जो ठंडा कमरा था वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो एक दैनिक जीवन में अपना एक एग्जाम्पल होता है कि जो ऊष्मा होती है उसका प्रभाव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ऊष्मा का प्रभाव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे कहता है कि ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के नहीं किया जा सकता, ठीक है। अरे उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तो अपने आप हो सकता है, लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप की ओर अपने आप नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको कोई ना कोई मशीन या फिर एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल सोर्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, फिर हिंदी में लिख रिपीट कर देता हूँ। क्या है तीसरा स्टेटमेंट? तीसरा स्टेटमेंट यह है कि हीट कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। हीट कांट बी फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन, हीट कांट बी फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, बिना किसी बाह्य सहायता के, बाह्य स्रोत के, किसी मशीन के। राजू जी रोको, इन पॉज करो या रिकॉर्डिंग चालू हो रही है।
तो देखो अपन ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम का तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लिया था। क्या कहता था तीसरा स्टेटमेंट? तीसरा स्टेटमेंट ये कहता था, देखो जनरल स्टेटमेंट तो क्या है आपका कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ये तो सामान्य स्टेटमेंट है। लेकिन हमें क्या कहना है, हमें ये कह रहे हैं कि हमें ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर करवाना है। मतलब कमरा है उसका ताप कम है, बाहर का ताप क्या है, ज़्यादा है, तो हमें अंदर की जो ऊष्मा है उसको बाहर की तरफ फेंकना है। क्या अपने आप ऐसा हो जाएगा? क्या अगर अपने आप ऐसा होता कि कम ताप से अधिक ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह अपने आप हो जाता तो आपको एसी की या फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सोचो हो जाएगा भी? अगर ऊष्मा का प्रवाह अपने आप कम ताप से ज़्यादा ताप की ओर हो जाता तो आपको क्या एसी की आवश्यकता पड़नी पड़ती क्या कमरे को ठंडा करने में? अरे कमरा अपने आप ही ठंडा हो जाता, और इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता पूछो ही मत। आप कमरा ठंडा है, ताप कम है, बाहर का ताप क्या है, ज़्यादा, फिर यहाँ से जो भी थोड़ी दूर ऊष्मा है वो सारी कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो उस वाले केस में क्या होगा, कमरा तो बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसके द्वारा हो सकता है? एसी के द्वारा हो सकता है। एसी क्या करती है, अंदर की जो ऊष्मा होती है, कमरे में जो ऊष्मा होती है उसको फ्लो करवाती है अंदर से बाहर की ओर, कम ताप से अधिक ताप की ओर। बाहर का ताप क्या होता है, ज़्यादा होता है, कमरे का ताप क्या होता है, कम होता है। तो एसी जो होती है वो एक एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, कोई बाह्य मशीन है, कोई स्रोत है। तो वो क्या करती है, एसी क्या करती है, एक मिनट, जो एसी होती है वो कमरे की जो ऊष्मा होती है जिसका ताप कम है वहाँ से ऊष्मा का फ्लो कहाँ करवाती है, बाहर की ओर करवाती है। तो ध्यान रखना, मैंने ये कहा ऊष्मा का प्रवाह कम ताप से अधिक ताप की ओर बिना किसी बाह्य एजेंसी के नहीं करवाया जा सकता। यह है किसका तीसरा स्टेटमेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स दोगे, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी आर बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। आपकी जो एसी होती है और जो फ्रिज होता है वो इसी स्टेटमेंट पे कार्य करता है, ठीक है भाई, वो इसी स्टेटमेंट पे कार्य करता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसका एक और उसी लिमिटेशन थी, उसके अकॉर्डिंग फ्लोट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते थे, 100% एफिशिएंट इंजन बना सकते थे, बट इसके अकॉर्डिंग हम 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते, ठीक है भाई, ओके। तो देखो आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब अपने जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कार्नो इंजन, ठीक है भाई, कार्नो इंजन इम्पोर्टेंट है भाई, कार्नो साइकिल। वो है इम्पोर्टेंट। तो ये तीन स्टेटमेंट आप याद रखोगे, पहला एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, दूसरा बोलो, अरे दूसरा बोल लो तो सही, शर्म नहीं बोलेंगे, मत बोलो, नहीं बोलोगे तो मेरा क्या लोगे, बोलना तो आपको पड़ेगा। बोलोगे क्या, अरे बोल भी दो, अब बोल भी दो, अगर नहीं बोलोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। फटाफट से रिपीट कर देता हूँ, जो सेकंड लॉ थे उसके स्टेटमेंट फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। पहला, ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा लगातार रूप से बढ़ रही है। दूसरा, कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तीसरा, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, एक्सटर्नल एजेंसी के, हम ऊष्मा का प्रवाह कम ताप से अधिक ताप की ओर नहीं करवा सकते। और उसी स्टेटमेंट पे बेस कौन है आपका, एसी और रेफ्रिजरेटर, और जो कार्नोट साइकिल है ये भी उसी स्टेटमेंट पे बेस है, ठीक है।
तो जो कार्नोट चक्र होता है, कार्नोट साइकिल होती है, एक साइंटिस्ट थे, एक इंजीनियर थे, सादी कार्नो, ठीक है, एक फ्रेंच इंजीनियर थे सादी कार्नो, तो उन्होंने एक ये साइकिल बनाई थी। तो इस साइकिल को उनके नाम के आधार पे, उनके सम्मान में क्या कह दिया, कार्नोट साइकिल कह दी गई है। ठीक है भाई, सुनना क्या कहती है। ये जो कार्नोट इंजन उन्होंने बनाया था ना, ये जो इंजन बनाया था ये भी 100% नहीं होता। मैंने कहा था ना, जिंदगी में कोई भी इंजन बना लो आप, उसकी एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती, उसकी एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती। तो ये जो कार्नोट साइकिल है, सबसे पहला तो बेस्ड ऑन थर्ड स्टेटमेंट ऑफ स्लोट, ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के तीसरे कथन पर आधारित है, जो अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ओके। दूसरा, ये जो कार्नोट साइकिल है ये क्या है आपकी, इसको तो आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपकी एक तो आइडियल होती है, जो कार्नोट साइकिल है वो कैसी है, आइडियल। और आपको पता है आइडियल नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, आइडियल होती है, कैसी होती है, साइक्लिक होती है। ठीक है, ध्यान रखना, रिवर्सिबल होता है। ये कार्नोट साइकिल की बात हो रही है, कार्नोट साइकिल कैसा होता है, आइडियल होता है, साइकिल या फिर कार्नो इंजन भी बोल सकते हो आप इसको, कार्नोट हीट इंजन भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, आप इसको कार्नोट हीट इंजन भी बोल सकते हो। तो जो कार्नोट हीट इंजन होता है वो क्या होता है, एक तो आइडियल होता है, ध्यान रखना, एक क्या होता है, साइक्लिक होता है, और बताओ क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ध्यान रखना। और देखो मोस्ट एफिशिएंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एफिशिएंट बट नॉट 100%, अंडरलाइन कर लेना भाई, मैन मैन पॉइंट्स में बता रहा हूँ। ठीक है, जो कार्नोट साइकिल होता है, जो कार्नोट इंजन होता है, वो मोस्ट एफिशिएंट होता है बट नॉट 100%। 100% एफिशिएंट इंजन तो आज तक बना ही नहीं है, कोई नहीं बना पाया, 100% एफिशिएंट इंजन आज तक नहीं बना। तो जो कार्नोट था उसने एक अज्यूम किया था कि ऐसा भी कोई इंजन हो सकता है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम दक्षता, उसके कार्य करने की जो दक्षता वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, 100% तो उसकी भी नहीं होगी। आइडियल है, हालांकि कैसा है, आइडियल, हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी 100% एफिशिएंट वो नहीं होता। अरे कुछ ना कुछ हीट निकल ही जाती है, ठीक है ना, जो हीट हो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, ध्यान रखना भाई, वर्क किसी ना कम्प्लीटली, मान लो वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन हीट कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। अरे पेट्रोल आप डालते हो बाइक में, जब आप जलाते हो तो कार्य करते हो, ठीक है, जब वो फ्यूल जलता है तो गाड़ी चलती है, तो जो फ्यूल जलता है तो जितना फ्यूल जलेगा वो पूरा का पूरा गाड़ी के चलने में यूज नहीं होता, कुछ एक फ्यूल एक्स्ट्रा अमाउंट में जल जाता है, हीट के फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, ध्यान रखना। तो जो कार्नोट इंजन है वो कैसा है, मोस्ट एफिशिएंट है बट नॉट 100% है, कैसा होता है, आइडियल होता है, साइक्लिक होता है, नाम से भी चल रहा साइकिल है ना, तो कार्नोट इंजन कैसा होगा, साइक्लिक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, एक बार मैं इसका आपको पीवी कर्व बता दूं, कार्नोट इंजन के लिए क्या बनाता हूं, पीवी कर्व बता देता हूं। ठीक है भाई, मैं एक लाइन लिख देता हूं, इन कार्नोट इंजन, हीट इंजन ही मान रहे हो आप इसको, ध्यान रखना, इन कार्नोट इंजन देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व। ठीक है, इस कार्नोट इंजन में 4 स्टेप इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी, नाम आप उनका याद रखोगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी जो उनका पीवी करो बनाऊंगा ना मैं, यहीं से बनेगा। ठीक है, पहला होती है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन, रिवर्सिबल
आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है भाई, समझना ध्यान से। जो दूसरी स्टेप है वो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और तीसरा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और लास्ट उसका जस्ट अपोजिट रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है भाई, ये चार स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होती है किसमें, कार्नोट इंजन में। आप इनको नाम याद रखना, जिनको हिंदी पसंद है, हिंदी तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कहा था ना अपनी केमिस्ट्री में इंग्लिश बहुत ईजी है, इसलिए आप प्रीफर किसको करोगे, इंग्लिश को, बाकी आपकी इच्छा, मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार, इसका क्या होगा, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार, यहाँ पे क्या होगा, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार, यह क्या होगा, समतापीय उत्क्रमणीय संपीड़न, समतापीय उत्क्रमणीय संपीड़न, यह क्या होगा, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय संपीड़न। ये चार स्टेप्स इन्वॉल्व होती है किसमें, कार्नोट इंजन में। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ, वो है पीवी कर्व फॉर कार्नोट इंजन, पीवी कर्व फॉर कार्नोट इंजन कह दो या फिर साइक्लाप कह दो। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इधर प्रेशर है, इधर क्या है, वॉल्यूम है। जो इनिशियल स्टेट ली जाती है इसमें वो हायर टेम्परेचर से ली जाती है, जस्ट इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब इंजन की फोटो बना के अपन उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, जो कार्नोट इंजन का पीवी कर्व अपन जब बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो इनिशियल स्टेट ली जाती है वो क्या ली जाती है, हायर टेम्परेचर पे ली जाती है। तो मैंने यह मान लिया जो इनिशियल स्टेट है वो ये है, मेरी ए है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है। इस कंडीशन पे जो टेम्परेचर है वो तो है टी एच, एच फोर होता है, एच स्टैंड फॉर हॉट, हॉट मतलब गर्म। ठीक है, आप हाई से भी समझ सकते हो। ठीक है, एच स्टैंड फॉर हॉट, टी एच मतलब अधिकतम टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, जो कार्नोट इंजन होता है वो हाई टेम्परेचर से स्टार्ट होता है और लो टेम्परेचर से होते हुए वापस हाई टेम्परेचर पे आके क्या होता है, ख़त्म होता है। छोटा एक बार उसको फिलहाल याद रखो कि इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर क्या है, टी एच है, इसका जो प्रेशर है वो है पी वन और इसका वॉल्यूम है वो क्या है, वी वन है। समझ में आया इतना, वेरी गुड। अब देखो पहली स्टेप क्या है, रिवर्सिबल, इसको तो भूल जाओ, रिवर्सिबल को तो भूल जाओ आप, छोड़ो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देखो रे, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, गैस फैल रही है, गैस का प्रसार हो रहा है। जब गैस का प्रसार हो रहा होता है तो क्या होता है, जब गैस का प्रसार हो रहा है तो क्या होता है, वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्या, गैस फैल रही है, प्रसार हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इसका जो कर्व बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये लो पॉइंट नंबर आ गया अपन बी पे, देखो रे इस वाले पॉइंट, एक बार वैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं, जब वॉल्यूम यहाँ पे है उस समय प्रेशर यहाँ पे है। अब जैसे ही एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। यहाँ पे आ जाओ, देखो
वॉल्यूम इंक्रीज कर गया और ये इसको इधर मिलाओ, प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो जो पहले वाली स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जब भी होगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है भाई, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब मुझे बताओ टेम्परेचर क्या है इसका, टीएच, प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होती है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ टेम्परेचर टीएच है, तो यहाँ भी टेम्परेचर क्या होगा, टीएच ही होगा। हाँ, प्रेशर चेंज होकर क्या हो जाएगा, पी टू, वॉल्यूम चेंज होकर क्या हो जाएगा, वी टू। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ अगली प्रोसेस पे, कौन सी है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। फिर से एक्सपेंशन, फिर से क्या आ गया, एक्सपेंशन। अब देखो क्या होगा, पहले तो आइसोथर्मल था, ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, तो जो एक्सपेंशन हो रहा था, गैस के मोलिक्यूल वर्क कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी बाहर से ले ली जा रही थी, ले ली जा सकती थी या ले ली जा रही होगी। लेकिन अब कौन सी है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक का मतलब क्या है, एडियाबेटिक मतलब है ना तो एनर्जी बाहर से ली जा सकती और ना एनर्जी बाहर दी जा सकती। अब एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे। एक्सपेंशन में कौन वर्क करता है, गैस वर्क करती है, तो एक्सपेंशन में कौन वर्क करेगा, गैस वर्क करेगी, क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। अब बताओ उस एक्सपेंशन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, खुद की इंटरनल एनर्जी से चाहिए। अब बाहर से ना तो एनर्जी आ सकती, ना अंदर से एनर्जी बाहर जा सकती, तो अब खुद के पास जो एनर्जी है, जो आपने बाद के लिए कभी बचा रखी है, उसको यूज़ में लेना ही पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, और काम करने के लिए एनर्जी आपको चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से लोगे, आप खुद की इंटरनल एनर्जी से, खुद की इंटरनल। तो गैस क्या करती है, खुद की इंटरनल एनर्जी का यूज़ करके उसको एक्सपेंशन में लगा देती है। ठीक है, अब गैस की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, यूज़ हो गई, तो गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्या, अरे इंटरनल एनर्जी घट रही है उसकी, आंतरिक ऊर्जा कम हो रही है, तो गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ध्यान रखना। प्रसार जब होगा तो गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, किस में, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। तो अब देखो क्या होगा, जो अगली स्टेप है अपनी, जो अपनी अगली स्टेप है वो ये वाली है भाई, देखो रे, यहाँ से आओ, देखो एक बार मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, फिर यहाँ आ जाओ, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ध्यान रखना। तो एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीजेज, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीजेज। और जब भी बात आएगी एडियाबेटिक एक्सपेंशन की, तो टेम्परेचर क्या करता है, फॉल करता है, डिक्रीज करता है। क्यों करता है, मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा, उस एक्सपेंशन में गैस की इंटरनल एनर्जी यूज हो जाएगी, और अगर इंटरनल एनर्जी यूज हो जाएगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ध्यान रखना। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टी सी। जो लो टेम्परेचर होता है ना, उसको हम टी से डिनोट करते हैं, जो हाई टेम्परेचर होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी एच से। मैंने कहा था एच स्टैंड्स फॉर हॉट एंड सी स्टैंड्स फॉर कोल्ड, ऐसे बोलते हैं, ठंडा नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर पहले से क्या हो जाता, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब मान लो प्रेशर भी चेंज हुआ है, वो हो गया पी थ्री, और वॉल्यूम भी चेंज हो गया, वो हो गया वी थ्री। ये प्रोसेस कौन सी थी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन, कौन सी थी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन। तीसरी आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब बोलो कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। प्रोसेस कैसी, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, बाहर से आ भी सकता है, जा भी सकता है, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। कंप्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, कोशिश करते हैं दोबारा से बनाने की। येलो, गुड, ओके। अब देखो प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोसेस क्या रहना है, कॉन्स्टेंट रहना है। तो ये आपका पॉइंट हो गया था सी, ये पॉइंट हो गया आपका डी, ये आपका पॉइंट हो गया डी। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, टी सी रहेगा, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल। ठीक है, यहाँ भी आइसोथर्मल थी इसलिए टी एस से टी एस था, यहाँ एक्सपेंशन आ गई, एडियाबेटिक कंडीशन आ गई तो टी एस से टी सी हो गया। अब फिर से आइसोथर्मल आएगी तो टी सी से क्या रहेगा, टी सी रहेगा। वॉल्यूम चेंज हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने कह दिया प्रेशर हो गया पी फोर, वॉल्यूम हो गया वी फोर। प्रोसेस को क्या कह दिया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। लास्ट कौन सी होगी, लास्ट कौन सी होगी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब देखो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, और एडियाबेटिक कंप्रेशन में, अब देखो हम मॉलिक्यूल्स को दबाएंगे, दबाएंगे तो उनकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी। अब इंटरनल एनर्जी में जो वृद्धि होती है वो टेम्परेचर के फॉर्म में इंक्रीज हो जाएगी, ना तो हीट बाहर जा सकती ना अंदर आ सकती। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो टेम्परेचर में वृद्धि होगी वो किसके वजह से होगी, इस एडियाबेटिक कंडीशन की वजह से होगी, कंप्रेशन की वजह से होगी। ठीक, तो यहाँ पे टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, किसमें, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, सॉरी एडियाबेटिक कंप्रेशन में। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और कंप्रेशन कह रहे हो फिर से, तो कंप्रेशन कह रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज, वॉल्यूम डिक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, येलो। ठीक है भाई, गुड, खुश। इसको कह दिया आपने रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। देखो वापस से पहुंच गए, इधर से चले थे, यहाँ से स्टार्ट हुए थे, इधर से आए, इधर से आए, और इधर से होते हुए वापस से यहाँ पे पहुंच गए। एक चीज़ ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में तो ये मान लो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं इस फोटो से ही आ जाते हैं। अरे नेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए इस फोटो से, बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। इस फोटो को उल्टा बना देता है, इधर वी और इधर पी बना देता है, और बोलता है बताओ कार्नोट साइकिल का सही चित्र कौन सा है। तो आपको पहचानना बनाना आना चाहिए। याद करने का तरीका बताऊँ, ध्यान रखना आई के सामने आई, ए के सामने ए, आई के सामने आई, ए के सामने ए, आई के सामने आई, ए के सामने ए। ठीक है, क्या कहोगे, आई के सामने आई, ए के सामने ए, ये तो कब है, आई के सामने आई ऊपर नीचे और आमने सामने ए के सामने ए, ये कब है, जब पी और वी के बीच में ग्राफ बनाया गया। आपको वी और पी के बीच पूछ ले, वी और पी के बीच में पूछ ले, तो क्या कहोगे, आई के सामने आई तो इस साइड में बना दोगे, मतलब इसको उठा के ऐसे उल्टा कर देना रे। ठीक है, जैसे देखो पी की साइड में क्या है, ए के सामने ए है, ठीक है, तो देखो वी की साइड में क्या होगा, इधर आपने भी लिखा, इधर पी लिखा, वी की साइड में क्या है, आई के सामने आई है, तो आई के सामने कर देना आई, ए के सामने कर देना ए, बस उल्टा हो जाएगा ग्राफ। ये किसके बीच में जाएगा, वी और पी के बीच में बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया कार्नोट साइकिल का कर्व, कार्नोट साइकिल का पीवी कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कैसे बनाते हैं, रटना किसी भी चीज़ को नहीं है। मैं यहाँ पे एक दो चीज़ आपको मेंशन करवा देता हूँ, इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीजेज, और अगला इसका जो पॉइंट है, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीजेज।
देखो रे टीसी से वापस कहाँ पहुँच गए, टीएच पे पहुँच गए, टीसी से वापस कहाँ पहुँच गए, टीएच पे पहुँच गए। कौन क्या है वो भी समझ लो, टीएच हाई टेम्परेचर है, टीएच क्या है हाई टेम्परेचर है, टीसी क्या है, टीसी है लो टेम्परेचर। चाहो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज इन टीएच एच स्टैंड फॉर हॉट, इन टीसी सी स्टैंड फॉर कोल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। बस ऐसे ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये आपको कारनोट इंजन का जो पीवी कर्व है ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। फोर स्टेप्स होती है, वर्क डन में कैलकुलेट आपको नहीं करवा रहा, ठीक है ओके। अब मैं इसको एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, अपन क्या करते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। आप याद रखना है फोर स्टेप्स होती है कारनोट इंजन में, क्रम से इनका सीरियल से, जैसा मैंने चार नाम लिखे हैं सीरियल से वैसा ही आप इनके नाम लिखोगे। साइक्लिक का आता, देखो साइक्लिक ही बना है, जहाँ से चले थे घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए, ठीक है ओके। चलो तो फिर एफिशिएंसी ऑफ कारनोट इंजन क्या लिखोगे, एफिशिएंसी ऑफ कारनोट इंजन, ठीक है भाई वेरी गुड। एफिशिएंसी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है नीटा से, किससे नीटा, कुछ लोग जीटा भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो भी बोलो, मैं तो उसको नीटा कहूँगा, नीटा NWTA नीटा, ठीक है ओके ओके। देखो भाई समझो, ध्यान से समझो, आपके पास एक था सोर्स, क्या था सोर्स था जिसका टेम्परेचर है TH और जिसकी हीट है QH, ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ध्यान रखना, सोर्स समझ लो ना स्रोत, जिसका टेम्परेचर क्या है TH और उसका जो हीट है वो क्या है QH है। इसने क्या किया, इस सोर्स ने QH, इस सोर्स ने QH हीट, ये QH ये तो क्या है हीट है जिसको आप, और TH क्या है टेम्परेचर है, दोनों कैसे ले रहे हो आप हाई ले रहे हो, एच का मतलब हाई है मतलब हॉट, ठीक है दोनों क्या है हाई हैं। सोर्स ने क्या किया QH हीट किसको ट्रांसफ़र कर दी सिस्टम को ट्रांसफ़र कर दी देखो समझ रहे हो ना, सोर्स ने QH हीट किसको ट्रांसफ़र कर दी सिस्टम को, तो अब सिस्टम की हीट कितनी हो गई QH हो गई। सिस्टम बड़ा दानी था सिस्टम ने कुछ हीट सिंक को डोनेट कर दी। सिंक वो होता है जिसका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना, सोर्स से कम होता है क्या होता है सिंक होता है। तो सोर्स जो सिस्टम है आपका वो बड़ा क्या था दानी था, उसने क्या किया कुछ हीट किसको डोनेट कर दी सिंक को डोनेट कर दी, और कितनी डोनेट कर दी मान लिया क्यों सी डोनेट कर दी। इसका जो टेम्परेचर है ना सिंक का क्या है टीसी है, ध्यान रखना लो टेम्परेचर है, ठीक है। अब इस सिस्टम ने कुछ हीट तो इसको डोनेट कर दी और बची हुई हीट से क्या किया वर्क किया, सिस्टम ने क्या किया वर्क किया, क्या किया वर्क किया, और ये लो नेगेटिव मैंने लिख दिया। अब आपका क्वेश्चन नेगेटिव क्यों लिखा तो आपको पता था जब मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया था UPSC के अनुसार, UPSC ने क्या कहा था वर्क डन बाय द सिस्टम देन वर्क बिकम नेगेटिव साइन बिकम नेगेटिव, ठीक है। तो मैं आप लिख देता हूँ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट वर्क डन बाय द सिस्टम,
ठीक है भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो क्या हुआ, फिर से समझो, सोर्स था एक, हिंदी वालों के लिए स्रोत था, स्रोत ने क्यों है चूष्मा, स्रोत ने क्यों है चूष्मा किसको दी, तंत्र को दी, तंत्र ने क्यों सी ऊष्मा किसको दी, शिंक को दी, शिंक को शिंक ही कहते हैं भाई, ठीक है, और तंत्र ने कुछ कार्य कर दिया, ठीक है, कुछ कार्य कर दिया, तो अब बताओ तंत्र की जो हीट है वो कितनी बचेगी, बताओ कितनी बचेगी, पहले कितनी थी तंत्र के पास हीट, वो थी क्यू एच, अब इसने क्या किया, कुछ हीट किसको दे दी, शिंक को दे दी, तो हमने जब निकाला, हमें पता लगा कि इसके पास कितनी हीट बचेगी, हमने देखा क्यू एच माइनस क्यों सी हीट बचेगी, अरे आपके पास 100 रुपये थे, आपने 17 रुपये किसी को दे दिए, अब कोई पूछे बताओ आपके पास कितने रुपये बचे, तो आप क्या कहोगे 100 माइनस 17 = 83 रुपये बचे, यही तो कहोगे ना, तो अगर हमें मात्रा दे दी जाए तो हम बता देंगे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि क्यों सी और क्यों एच क्या है, तो हमने क्या किया, सिस्टम की हीट कितनी थी, क्यों एच थी, सिस्टम की हीट कितनी थी, क्यों एच थी, ठीक है, वेरी गुड, और उस क्यू एच में से सिस्टम ने शिंक को कितनी दे दी, क्यू सी दे दी, तो सिस्टम के पास कितनी बची, कितनी बची, क्यू एच माइनस क्यू सी, यही तो बची, वेरी गुड, ये आपका फोटो किसका, कार्नोट इंजन का कंप्लीट है भाई। नेगेटिव साइन की स्टैंड फॉर, या फिर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट किसको करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं किसका, एफिशिएंसी का, हम जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल इजी सा होता है फॉर्मूला, याद रखोगे आप, आउटपुट आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, आपको कितना मिला बटे आपने कितना दिया था, आपको कितना मिला बटे आपने कितना दिया था, यही होती है एफिशिएंसी, यही होती है दक्षता, आपको कितना मिला आपने कितना दिया था, वही क्या है, दक्षता है, एफिशिएंसी है, ठीक है, फॉर्मूले बनाते हैं, याद मैंने कहा था ना, मैं बार बार पूरी केमिस्ट्री में यही कहता जा रहा हूँ आपको, जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक अपन जो पढ़ेंगे ना, कुछ भी अपने को रटना नहीं है, और मैं तो ये भी कहता हूँ आपको याद भी नहीं करना, केवल मेरे साथ साथ अच्छे से समझना है, एक बार नोट्स उठा के देख लेना, आपका काम बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, तो देखो नेटा क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट क्या मिला, डब्ल्यू मिला क्या, अपॉन इनपुट क्या था, क्यों एच, यही तो दे रहे थे अपन, कह सकते हो क्या, वर्क, ठीक है, ये तो डब्ल्यू क्या है, वर्क, और ये क्या है, हीट, ठीक है भाई, आप चाहो तो ये लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला देखो, अगर अपने को इसको हीट के फॉर्म में लिखना है, सब कुछ ही हीट के फॉर्म में अपने को लिखना है, तो कितनी हीट मिली आपको आउटपुट के रूप में, क्यू एच माइनस क्यू सी, क्यू एच माइनस क्यू सी, कितनी दी थी आपने, क्यू एच दी थी, हमने क्यू एच दी थी, मिली कितनी, क्यू एच माइनस क्यू सी मिली, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया एक आपका किसका, एफिशिएंसी का, तो टेम्परेचर के टर्म में भी तो लिख सकते हैं अपन इसको, टी एच माइनस का टी सी ओवर टी एच, लिख सकते हैं क्या, वेरी गुड, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यू एच को जगह लिख दिया टी एच, क्यू सी की जगह लिख दिया टी सी, फिर से क्यू एच, ठीक है भाई, ठीक है, चलो तो फिर ठीक है, तो बराबर करते हैं दोनों को, दोनों को बराबर करते हैं, क्यू एच माइनस क्यू सी ओवर क्यू एच इज इक्वल टू टी एच माइनस का टी सी ओवर टी एच, देखो भाई इसको खोल के लिख रहा हूँ मैं, क्यू एच ओवर क्यू एच माइनस क्यू सी ओवर क्यू एच, लिख सकते हैं, क्यों एच के बटे कितनी से क्यों एच लिख दिया, माइनस क्यों सी के बटे क्या लिख दिया, क्यों एच लिख दिया,